ये लास्ट लाइव है आप लोग के लिए, जो लोग हमको धमकियां दे रहे हैं मारने के लिए। 3 तारीख का वेट कर रहे हैं हम। 3 तारीख सोम्या को पटना में गोली मारने वाले हैं। आप लोग सबका बात बता, आपके सब सबके बीच में बता दे रही हूँ, मैं 3 तारीख के सुबह लाइव आऊंगी और उसका नाम और उस जो जो वो लोग मिले हुए हैं उसका वॉइस और उसका जितना बोले है ना प्रूफ हम सबके सामने दे के बैठेंगे, क्योंकि हम क्या पता मर जाए सच में, उसके बाद थोड़ी कोई दिखा देगा मेरा वो लोग का क्या क्या करते हैं। आज मैं आप लोग के मतलब मैं सोची नहीं थी कभी भी कि किसी के बारे में कुछ भी मैं बोलूँगी, तो पर हद कर दे रहे हैं सब लोग नहीं, कुछ लोग हद कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं। तो आज मैं सच में बहुत लोग हैं कि खेसारी सर के फैन हुए, हमको गलत सोचते हैं कि सौम्या बदल गई, ये बदल गई, सौम्या ये हो गई, और खेसारी सर भी कोई चमचे बेलचे के बोलने पर वो स्टेज पर बोल दिए थे, उनको तो बेचारा कुछ पता है ही नहीं। ये लाइव है ना, खुद देखते हैं ये लोग, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, एक यूट्यूबर है वो और महान व्यक्ति है चमचे बड़े, वो उनको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इतना बता दूँ तुम लोग को कि ये ऐसे हम लोग दिखाते हैं ना, तो ये 4 पहले खुद का तरफ आता है, उसके बाद 1 किसी और के तरफ जाता है, ठीक है। तो खुद दूसरों को बोलने से पहले ना खुद का झांक ले पहले, ठीक है, मैं कैसा हूँ, क्या किया हूँ आज तक, कितना लोगों का चुरा के मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। अरे जिसको तू बोलता है ना हम इतना सपोर्ट करते थे वो लड़की को, क्या किया है, कैसा बर्ताव करता है, बहन तो हूं मैं, बहन का रिश्ता तो बनाया हुआ है, पर मुंह जो तुम्हारा है ना बोलने का ही है, कितना भगवान अच्छा तुम्हारा संस्कार दिए हुए है, ठीक है। और तुम क्या करते हो अपना फायदा के लिए, खुद का कोई कहीं रिश्ता खराब है तो सोम्या वहां काम मत करो, क्यों तुम देगा उतना, तुम दोगे बताओ, हम नहीं करेंगे, मेरा फैमिली नहीं है, मैं कर अंबानी की फैमिली से हूँ कि बैठ के खाऊंगी तो जिंदगी भर मेरा फैमिली चल जाएगा, एक मैं हूं ना, मैं अपना फैमिली को कमा के खिलाती हूँ, कोई मेरा फैमिली में दूसरा कोई काम नहीं करता, एक मेरा शॉप है वही है, ठीक है, मेहनत करती हूँ तब कुछ कमाने के लिए कहीं आता है आदमी, क्या तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है हमसे बताओ जरा, करना क्या चाहते हो, अब खुल के बता दूं। आज प्रमोद सर के उन लोग के कुछ लफड़ा था प्रमोद सर के साथ, तो बोल रहे कि तुम प्रमोद सर के साथ काम करोगी तो खेसारी से तुमको दूर होना पड़ेगा। खेसारी सर तो आज तक हमको नहीं बोले कि तुम प्रमोद के साथ काम करोगी तो सोम्या मेरे साथ काम नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे कभी भी नहीं बोले। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, जिनको काम कराना है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है उससे। और मैं आज काम कर रही हूँ कुछ, हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वहां से नेपाल से आके भोजपुरी में काम कर रहे हैं, आज उन लोग को इतना खटक रहा है ना, सोच रहे कि सोम्या कैसे भाग जाए, सोम्या को कैसे हटाए, बताइए आज तक आप लोग देखे हैं कभी भी सोम्या तुम इसके साथ मत काम करो बोल के खेसारी सर बोले हैं, कभी भी देखे आप लोग। पर यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना, आज इंटरव्यू देते हैं कि सोम्या बदल गई, क्या इतना अच्छा निकल रहा है ना, मन कर रहा है ना अभी सब पब्लिक कर दे तुम लोग का करतूत, हद पार कर दियो। कभी 2 बजे रात को 200-300 लड़कों को लेके एक लड़की को मारने आ जाते हैं रात को, ठीक है, मैं अपना घर अपना नेपाल छोड़ के इंडिया आके बैठी हुई हूँ, यहाँ मेरा कौन है, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं ना, कल का दिन में हमको मार के कुछ भी कर दे, हा? इसका जिम्मेवार कौन होगा, बोल दे अभी, सब बता दे पब्लिक को कि तुम लोग क्या क्या करते हो, बताइए। ठीक है मैं काम नहीं कर रही हूँ तो उतना काम आप दो हमको कि मैं नहीं करूँ किसी के साथ काम। 6 महीना 7 महीना मैं घर पे बैठी थी ना कि प्लीज भैया हमको काम दे दीजिए, प्लीज सर हमको काम दे, कितना काम दिया आप लोग बताइए कि मैं काम ना करूं किसी के साथ, बताइए। और बीच में तुले हुए देखिए, मैं इतना बता दूं कि आप लोग कुछ करेंगे ना तो आप लोग का नाम बदनाम नहीं होगा, मेरा नाम खेसारी सर से हुआ है, ठीक है, आप लोग से नहीं हुआ है मेरा नाम,
कोई हमको आज पहचानता है ना तो खेसारी सर के नाम से पहचानता है, आपके वजह से नहीं पहचानता है। कल का दिन में अगर हमको कुछ भी होगा ना तो खेसारी सर का नाम बदनाम होगा, आपका नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी उस इंसान को इज्जत करते हैं ना तो ये सब करना छोड़ दीजिए। इंटरव्यू 36 को इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, ठीक है? मेरा सनक गया ना तो मैं सच में पब्लिक कर दूंगी आप लोग का करतूत क्या क्या है। बहन तो बोलते हैं पर आप लोग का ये है ना, ये भगवान दिए हुए बोलने के लिए और ये सोचने के लिए दिमाग, आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं आज तक अभी तक भी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है? मैं एक बड़े भैया की तरह अभी भी मानती हूँ। तो मैं प्लीज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए, ठीक है? आप लोग अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। और रहा बात खेसारी सर का, तो हम हमेशा खेसारी सर को ना हमेशा ये सोम्या पोखरेल जब तक ये धरती पर है हमेशा एक गॉड की तरह मानती थी और मानते रहूंगी। कुछ भी लोग बोले उससे हमको मतलब नहीं है। उस इंसान के लिए क्या बोलूं मैं, जितना सुनी हूं ना। और सबके साथ एक होता है ना, कुछ टैटू बनाने से कुछ करने से गलती नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गॉड की तरह उनको हमेशा मानती हूँ। दूसरों का बहन और माँ का सम्मान करना सीख भाई तू। अरे गौतम जी छोड़ दीजिए, आप उन लोगों के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है। और अभी आके बोल रहे हैं कि अभी आके गेम खेल रहे, पता है क्या, अभी आके गेम खेल रहे हैं कि तुम काम नहीं कर रही हो ना, देखो हम तुमको जलाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे हमको जला के क्या कर लोगे तुम लोग? अगर मेरा किस्मत में लिखा होगा जितना तो वो तो कहीं से मिल जाएगा है? इतना महान तुम लोग, इतने बड़े हो यार, भोजपुरी के एक शान है आप लोग। तो आप लोग इतना पता नहीं है कि हमारे कुछ बोलने से कुछ प्रभाव पड़ता है? मैं आप लोग के सामने हूं क्या? आपकी बहन की उम्र की होंगी मैं तो? आप लोग का ये करने से आप लोगों को क्या फायदा होगा बताइए? क्या फायदा होगा? देखिए मैं इतना बता देना चाहती हूं, अभी भी आप जो सोच रहे हैं ना भैया, आप जो सोच रहे हैं ना, याद रखिएगा मैं होने नहीं दूंगी वो। और खेसारी सर को गलत बनाने में आप लोग लगे हुए ना, केस करने वाले हैं क्या क्या प्रूफ से? मैं क्या की हूं आप लोग के साथ कि मेरे साथ पुलिस केस करेंगे है? आप ही लोग बताइए। खेसारी सर के जितने भी फैन हैं मैं सबको पूछना चाहती हूं, अगर एक लड़की अपना देश छोड़ के आपका क्या, हम लोग सबका भोजपुरी है, हम लोग जितने भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, जितने भोजपुरी की जनता है सबको पता है कि हम लोग भोजपुरी से कितना प्यार करते हैं। हम एक नेपाल से होके आके भोजपुरी को इतना प्यार करते हैं, भोजपुरी में काम करना चाहते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, भोजपुरी को प्यार दे रहे हैं और यहाँ के बैठे हुए हैं, ठीक है? मेरा पटना में कौन है? कोई है मेरा पटना में? नहीं ना है। ये लोग 200-300 लड़के को लेके रात को मारने आते हैं सोम्या को, कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी लेंगे ये लोग? क्या क्या बोलते हैं, 3 तारीख को सोम्या को हम गोली मार देंगे बोले हमको अभी बोले, ठीक है? 3 तारीख को सोम्या को हम पटना का चौक पर गोली मार देंगे, ठीक है? मार दे गोली, हम भी देखते हैं कैसे मारते हैं, मार दे गोली। आप लोग के बीच इतना अच्छा बनते हैं ना ये लोग, और आप लोग सोचते हैं कि सोम्या दूर हो गई। मैं खेसारी सर से कभी जिंदगी में दूर नहीं होंगी। हमको काम से खेसारी सर का लालच नहीं है, नहीं दे हमको जरूरत नहीं है कि खेसारी सर का काम देने। बस मैं उनको मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी। अगर उनका हाँ सोम्या से काम होगा, उनको लगेगा तो वो देंगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगी खेसारी सर को हम खेसारी सर के साथ हमको काम ही करना है। नहीं, यहाँ आप लोग को ना ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके ना घुमा देते हैं आप लोग का दिमाग।